सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं साशुत मिश्रा आप सभी को दिखा रहा हूँ कि विद्यापीठ पब्लिक स्कूल के कैंपस में हूँ। आज सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर जो कि चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है, इस वक्त देखिए सेलिब्रेट हो रहा है। बच्चों को कहा जाता है, एक तरीके से प्रतियोगिता जो रखी जाती है, थोड़े बहुत खेल खिलाए जा रहे हैं और इन सब के बीच जो है बच्चों का जो है उत्साह वर्धन किया जा रहा है। आइए हम सब लोगों से बात करेंगे और बातचीत के दौरान हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को क्या जरूरी है, जो स्टूडेंट होते हैं विद्यार्थी होते हैं उन लोगों को शिक्षा के लिए क्या जरूरी होता है। आइए तो आप सभी को दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए इस वक्त दिखा दीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज इन्हीं के बर्थ आज जिस दिन इनका जन्म हुआ था, इनके जन्म के दिन ही इन्होंने जो है चिल्ड्रेन डे रख दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए भी एक दिन होना चाहिए। जो बच्चों के लिए दिन निर्धारित उन्होंने किया था वो अपने जन्म के दिन को ही उन्होंने चिल्ड्रेन डे के नाम से बता दिया गया था। इन सब सारी चीज़ों को हम सर से बात करेंगे। हाँ जी सर, हाँ जी सर, नमस्कार। तो ये जो आप प्रतियोगिता करा रहे हैं बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, काफी अच्छा हो रहा है सर। तो इसमें बच्चों को क्या जरूरी होना चाहिए, शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा एक तरीके से, शिक्षा को हम जब इंजॉय करके लेके करते हैं कोई भी चीज, जी जी सर, तो उसका कुछ अलग ही एक जो आउटकम होता है, जी जी, तो वो अच्छी तरीके से आप सामने आता है। जी जी, उनके साथ साथ शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो किताबी भाषा है वो हम पढ़े, शिक्षा के साथ खेल, डिसिप्लिन, जी जी, और बारी सारी चीजें, समाज, सोसाइटी, ये सोशियो इकोनॉमिक वर्क, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक होती है। जी, तो शिक्षा के साथ साथ पैरेलली सारी चीजें, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान देना चाहिए, जी जी, और मेंटल जो पीस है उसका भी ध्यान देना चाहिए, और इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल के आधुनिक युग में सर आप जैसा कि देखने को भी मिल रहा होगा कि सभी लोग टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं, हर एक बच्चा मोबाइल से पढ़ना चाह रहा है, हर एक बच्चा डिजिटल होना चाह रहा है, तो क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए टेक्नोलॉजी को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जी, टेक्नोलॉजी ये हमारी एक जरूरत बन चुकी है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो निजी जीवन है और शारीरिक गतिविधियां हैं, उन दोनों का समन्वय हो के ही साथ में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम मतलब इस देश को तरक्की की तरफ अग्रसर कर सकते हैं, अन्यथा ये चीज संभव नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाएं। जी जी, शारीरिक गतिविधियां भी होना जरूरी है, इस वजह से खेल ये सारी चीजों को आजकल प्रोत्साहन किया जा रहा है, बच्चों को थोड़ा सा एक रास्ता मिले, पीस मिले, जी जी सर, और थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो, जी जी। पढ़ाई में बच्चे क्या होते हैं, एक तरीके से आजकल की जो पढ़ाई की जो तौर तरीके हैं वो पूरी तरीके से एक दायरे में बंद गए हैं, जी जी, उसको हमको एक्सपेंड करना है, इसी वजह से ये सब सारी चीजें भी जरूरी होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जनाब की, और बातचीत के दौरान आप सभी को बताने की कोशिश की कि पढ़ाई के साथ खेलना खेल कूद भी बहुत जरूरी होता है जीवन में। और सर सर ने बताया भी कि अगर बच्चों को पढ़ना है तो शिक्षा के लिए सबसे जरूरी होता है उनका स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य मस्त है, स्वास्थ्य आपका ठीक है, तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद आप सभी को दिखा रहे हैं कि विद्यापीठ इस स्टूडेंट जो कि मुझे लग रहा है कि ये क्लास 11th के और 6th क्लास के आई थिंक छोटे छोटे बच्चे जो कि बैठे हुए दर्शक के रूप में, आप सभी दिखा दीजिए जरा इधर, तो आप सभी को देखने को मिल रहा होगा मेरे वीडियो के माध्यम से कि काफी अच्छे अच्छे बच्चे हैं ये। इनसे हम थोड़ी बात करेंगे और इनसे बातचीत के दौरान आप सभी को दिखाएंगे कि ये आखिर आज जो कि चिल्ड्रेन डे मनाया जा रहा है इनको कैसा लग रहा है, और चिल्ड्रेन डे आखिर ये इन लोगों को आज किस प्रकार मनाया गया, इन सब सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बहुत इनसे हम बातचीत करेंगे। आ जाइए। और भाई मजा आ रहा है? Yes. तो आज कौन सा दिन है? 14 नवंबर है। 14 नवंबर के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है? अच्छा पंडित जवाहरलाल, अच्छा बाल दिवस मनाया जाता है। तो आज मजा मिला है? क्या मिला है खाने को? खाने में बहुत कुछ मिला, क्या कुरकुरे मिले, चॉकलेट मिले। हाँ बहुत अच्छे है। आप लोगों को क्या मिला है? अच्छा अच्छा वही मिला है। आज मजा आ रहा है आप लोगों को देखने में? आज कौन सा दिन है? चिल्ड्रन डे। अच्छा क्या क्या मिला है आपको खाने में? टॉफी और कुरकुरे। अच्छा 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 अच्छा। और सर आपको क्या मिला है? सर वही मिला है। अच्छा वही मिला है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। इस वक्त मैं विद्यापीठ पब्लिक स्कूल में हूँ और छोटे छोटे बच्चों से मैंने थोड़ी हंसी मजाक के तौर पे बात किया और सर से भी मैंने बातचीत की, और बातचीत के दौरान जो भी हमसे वार्तालाप हुई आप सभी ने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय हिंद।